परमात्मा तेरे बिना मेरा कोई सहारा नहीं। भक्त का ऐसा अटूट विश्वास कि परमात्मा को भी भक्त की पुकार सुननी पड़ी। सतभक्ति के चमत्कार की ये अनोखी दास्ता जिसे सुनकर आप भी अचंभित रह जाएंगे। अलवर राजस्थान से गिरिराज, जो पिछले काफी समय से इतने ज्यादा दुखी और परेशान थे जिसकी कोई सीमा नहीं। सबसे बड़े दुख का कारण था पत्नी को कैंसर की बीमारी। पत्नी को दिन ब दिन अपनी आंखों के सामने मरता देख रहा गिरिराज। बच्चे पिता से लिपट कर रोते, पापा मम्मी को बचा लो। आर्थिक स्थिति के खराब चलते जैसे तैसे कर्ज लेकर जहां भी कैंसर के इलाज की जानकारी मिली सब जगह पत्नी को लेकर गया, बस हाथ लगी निराशा ही। लेकिन हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे थे। वहीं डॉक्टरों ने साफ साफ कह दिया, अब इनका बचना मुश्किल है, अब भगवान ही कुछ करे, हमारे बस की बात नहीं रही। मानो गिरिराज के पांव तले की जमीन खिसक गई हो। रोते बिलखते गिरिराज की पुकार एक दिन परमात्मा ने सुनी। उनके किसी परिचित ने बताया कि आपके सब दुखों का अंत हो सकता है, आपकी पत्नी की बीमारी भी ठीक हो सकती है। मानो गिरिराज को एक आशा की किरण मिली हो। लेकिन विश्वास नहीं हुआ। फिर सोचा, देख लेते हैं, जब इतनी जगह जा लिए तो अब क्या होगा। फिर भी टूटे दिल से गिरिराज ने हिम्मत की और चल दिया एक संत की शरण में। फिर आगे क्या हुआ? कहते हैं कि सच्चा संत परमात्मा का प्रतिनिधि होता है। कबीर साहेब जी भी कहते हैं, कबीर सतगुरु शरण में आने से आई टले बलाए, जो भाग्य में सूली हो वो कांटे में टल जाए। क्या सदभक्ति से गिरिराज को सब दुखों से छुटकारा मिल पाया? क्या मृत्यु सैया पर पहुंची पत्नी की जान बच पाई? आखिर कौन बना गिरिराज का संकट मोचन? आखिर गिरिराज के दावों में कितनी सच्चाई है? गिरिराज का पूरा गांव मोहल्ला क्यों हो गया हैरान? आखिर डॉक्टर ने क्यों बोला धरती पर भगवान है, ये तो चमत्कार हो गया? आखिर वो क्या घटना थी जिसने सबको हैरान कर दिया? आप भी देखकर हैरान होंगे। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका, कहां से आप आए हैं? सर मेरा नाम गिरिराज दास है, मैं अलवर राजस्थान से हूं। संत रामपाल जी महाराज जी से आप क्यों जुड़े? क्या आपके ऊपर भी कोई दुख कष्ट था जिस कारण से आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े? सर दुख तो बहुत आए, लेकिन जो हमारी जो भगतमती है उनको ज़्यादा थोड़ी तकलीफ थी। उनके माध्यम से हमको परमात्मा का ज्ञान मिला और परमात्मा मिले। उनको क्या है भगत जी, डेली की डेली उनको आधे इस हिस्से में दर्द होता था। वो डेली बोलती थी कि भगत जी मेरे को यहाँ पर दर्द होता है, मेरा ये वाला हिस्सा बिल्कुल सुन्न हो जाता है और मेरे सर में दर्द रहता है। तो मैं करीबन ऐसे करते करते एक महीना टल गया। और मैं हलवाई का काम करता हूँ, उस दिन मैंने छुट्टी ले ली थी कि भाई चलो मैं आज आपका पूरा चेकअप करवाता हूँ हॉस्पिटल में जाकर। तो भगत जी हॉस्पिटल जाने के बाद में मैंने डॉक्टर को दिखाया था, डॉक्टर ने कहा कि भाई क्या प्रॉब्लम है। मैंने कि सर इनका जो आधा हिस्सा है उसमें ज़्यादा दर्द होता है। उन्होंने कहे कौन से हिस्से में होता है? मैंने सर ज़्यादा तो इनका जो ये आधा आधा हिस्सा है सर के बगल वाला है, इसमें दर्द होता है। उन्होंने कहा इसका एक्सरे करवाओ। तो भगत जी हमने उसका एक्सरे करवाया भगतमती का। एक्सरे के बाद में फिर उसकी एक्सरे की रिपोर्ट आई। डॉक्टर ने करीबन आधे पौन घंटे तक उसको देखा। देखने के बाद फिर मेरे को और भगतमती को बुलाया। क्योंकि भैया आपकी मिसेज को कैंसर है। मैंने कहा सर कैंसर, आपने डायरेक्ट ऐसे कैसे बोल दिया कि भाई कैंसर है? हमारी जो भगतमती है उनको जैसे उन्होंने उनसे कैंसर के बारे में बताया था, उनको हतवत वहाँ पर चक्कर आ गया। चक्कर आने के बाद में वो वहाँ पर गिर गई। गिरने के बाद मैं उसको उठा के और बाहर चेयर बैठ थी तो वहाँ उसको मैंने बैठा दिया। फिर भी मैंने उससे कहा, मैंने तू तसल्ली रख, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो डॉक्टर हैं, सब बेवकूफ़ बनाते हैं पेशेंट को, तो आप भेजो, थोड़ा तसल्ली करो, अपन घर चलते हैं और आज नहीं कल अपन दूसरे डॉक्टर से बात करेंगे। तो सर कल मैं दूसरे दिन फिर मैं दूसरे डॉक्टर के पास गया था। उसके बाद में जाने के बाद में डॉक्टर साहब से मैंने पूछा, मैंने सर मैंने ऐसे ऐसे पड़ोस वाले डॉक्टर को दिखाया था, उन्होंने इनको कैंसर बताया। तो उन्होंने बढ़िया तरीके से चेकअप किया सर,
चेकअप करने के बाद में उन्होंने क्या एक छोटी सी पर्ची बना के दी मेरे को कि भैया आप ये गोली लेके आ जाओ और बहन जी को बाहर बैठा दो और आप मेरे पास अंदर आ जाना। मैंने कहा ठीक है सर। तो मैं भगतमती को बाहर बैठा कर वो गोली लेके आया, डॉक्टर साहब के पास गया तो डॉक्टर साहब ने वो गोली तो एक तरफ रख दी, इन्होंने भैया ये गोली तो एक बहाना था आपको बुलाने का, पेशेंट के सामने ये बात बोली नहीं जाती क्योंकि पेशेंट को ज़्यादा धक्का लगता है। तो सर फिर मैंने कहा डॉक्टर साहब ऐसी क्या बीमारी है इनको, तो डॉक्टर साहब ने बोला बेटा इनको कैंसर है। तो मैंने कहा सर इसका कोई इलाज नहीं, कहा बेटा आप ऐसा करो इसको जयपुर ले जाओ महावीर कैंसर हॉस्पिटल में। तो मैं सर मैंने कहा सर खर्चा कितना आएगा, क्योंकि बेटा खर्चा तो देखो मैं कुछ नहीं कह सकता इसमें तो पैसे का एक तरह का लुटावड़ा है और मेरी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी, मैं उस समय 10-11 हज़ार रुपये कमाता था। तो फिर मैं किसी दूसरे से कर्जा लिया, कर्जा लेने के बाद लेकर फिर मैं भगतमती को जयपुर लेके गया था। जयपुर ले गया मैं, 4-5 डॉक्टरों ने महावीर कैंसर हॉस्पिटल में 4-5 डॉक्टरों ने चेकअप किया उनका। चेकअप करने के बाद में उन्होंने फिर मेरे को अंदर बुलाया, उन्होंने भैया डॉक्टर साहब बोल रहे हैं आपको। मैं अंदर गया डॉक्टर साहब के पास तो डॉक्टर साहब ने बोला कि भैया ये क्या लगती है आपकी। मैंने कहा सर ये मेरी मैसेज है। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि भैया इनको कैंसर है और ऐसा करो आप इनको रहने दो और इनका खर्चा ज़्यादा है, इतने पैसे में आप दूसरी शादी कर लोगे। तो मैंने सर डॉक्टर साहब के पैर पकड़ लिए थे। मैंने कहा सर जब ये मेरे साथ में जो साथ मेरे की आई है इसने ही मेरे साथ नहीं दिया तो वो दूसरी का मैं क्या करूँगा, मेरे को तो यही चाहिए। तो डॉक्टर साहब फिर उन्होंने कहा तो इसका खर्चा ज़्यादा है। मैंने कहा सर मैं अपने शरीर का एक एक खून का कतरा भेज सकता हूँ इसके लिए, इसको बचा लो आप। तो डॉक्टर ने कहा करीबन आपको हर महीने 10,000-8,000 की दवा लेनी पड़ेगी आपको और ये तोड़ना नहीं है, आपको कोर्स पूरा चलेगा। मैंने कहा सर ठीक है। मैं भगत जी वहाँ से दवा लेके आ गया, करीबन 2 साल इलाज चला और मेरे ऊपर उस इलाज के दौरान बहुत कर्जा हो गया। मतलब मैंने कोई ऐसा व्यक्ति नहीं छोड़ा जिससे मैंने पैसे ना लिए हो उधार। तो जरूर उन दवाइयों के असर से आपकी वाइफ का जो कैंसर था वो ठीक हो गया होगा। नहीं सर बिल्कुल ठीक नहीं हुआ, उसकी तो और ज़्यादा तबीयत बिगड़ गई। जो जब कैंसर से पहले उनके इतने लंबे लंबे बाल थे सर, और सर के जब कैंसर होने के बाद में उनको इतने इतने से बाल हो गए, सर के सारे बाल उड़ गए थे। तो डॉक्टर साहब से मैंने बोला भी था, मैंने कि सर ये क्या चक्कर है। फिर लास्ट में डॉक्टर साहब ने बोला कि भैया ये तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको, आप ऐसा करो पैसे मत लुटाओ 5-6 महीने तक और कर सकते हो आप इसकी सेवा कर लो। मैंने कि सर ऐसा मत बोलो आप, क्योंकि भैया इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमारा तो जितना हम प्रयास है उतना हम कर सकते हैं। मैंने कहा ठीक है सर। फिर मैं अंदर से आया तो भगतमती बोली आप ऐसे उदास क्यों हो। मैंने कुछ नहीं, डॉक्टर साहब ने बोला कि अभी ज़्यादा दिन कोर्स नहीं चलेगा, ठीक हो जाओगे आप। तो भगतमती को तसल्ली दी, कोई नहीं। उसके बाद में हम घर आ गए, घर आने के बाद में मैंने मेरी बड़ी बेटी है उसको बताया, मैंने कि बेटा मम्मी को तू बताना मत, और ऐसे ऐसे डॉक्टर साहब ने बोला है कि आप इसकी सेवा करो। मेरी भगत जी 21 साल की बेटी है आज, अपनी मम्मी के कपड़ों को कोड़े में भर के कोने में खड़ी होकर रोती थी, पापा मेरी मम्मी को बचा लो, मेरी मम्मी को बचा लो। तो लास्ट में आने के बाद में भगत जी क्या होता है कि हमारे जो चाचा जी हैं उनके लड़के की भगतमती है, तो उनका जो मौसी का लड़का है उसका चिड़ाई का काम करता है, उसने भी नाम लिया था, तो उसने उसको बुलाया था कि बहन जी मेरे बोरे संचार के लिए तो आप आ जाओ। तो वो बेचारी वो वहाँ पर गई थी तो उसकी रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हो गई थी वो भगत जी की, तो पट्टी चढ़ा रहे थे तो पट्टी के साथ साथ नीचे गिर गए थे, तो पट्टी से उसकी रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हो गई थी, तो परमात्मा ने दया करी उनकी रीढ़ की हड्डी ठीक हो गई। तो उन्होंने उनको बताया, तो वो जो हमारी जो चाचा जी के लड़के की जो भगतमती है उन्होंने घर पे आके बताया कि जी जी ऐसे ऐसे एक परमात्मा आए हुए हैं और आप नाम ले लो और बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो भगतमती बोली कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उस समय भगत जी ये राम रहीम का ये चल रहा था, उस समय भगतमती ने मना कर दिया कि मैं कोई किसी का नाम नहीं लूँगी, क्योंकि मैं चाहे भंगी की सूरी बन जाऊँगी लेकिन नाम नहीं लूँगी मैं किसी गुरु का। तो परमात्मा ने क्या रजा करी उसको, उनको विचलित कर दिया, उनको चैन नहीं आओ पड़ा। तो हमारे अलवर में पास में मेयो का बड़ौदा है, वहाँ पर एक रमेणी थी, ज्ञान चर्चा तो हो गई थी
तो रमेणी थी तो वो भगतमती आई थी, तो हमारी भगतमती को बोली चल बहन जी आप नाम ना लो तो मत लो, वहाँ सत्संग भी है और 17 मिनट की रमेणी है शादी है, वहाँ चलते हैं अपन देख के आते हैं। भगतमती को एकदम झटका सा लगा कि 17 मिनट की शादी कैसी होती है, पंडित भी आता है फेरे भी पड़ता है कैसे कैसे होता है ये। तो भगतमती चलेगी, हमारी भगतमती और हमारा छोटा भगत जी है यहीं पर ही है, वो दोनों माँ बेटे चले गए भगत जी, वहाँ से नाम उपदेश लिया उन्होंने। नाम लेने के बाद तो नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिलेगा? नाम उपदेश लेने के बाद में भगत जी करीबन 4 महीने बाद जब परमात्मा ने रजा करी सतनाम की दया करी तो भगतमती क्या है कि थोड़ी ठीक होने लगी। ठीक होने के बाद में हमको ये भी पता नहीं था कि भाई किसी के साथ खाने से हमारा नाम भी ठंड हो जाता है। तो भगतमती क्या है आसपास पड़ोसियों के साथ में वो गेहूं की कटाई चल रही थी, भगत जी वहाँ चले गई थी, तो मैंने उनको मना भी किया था। जब भगतमती बोली कि भाई अपने देखो कर्जा भी बहुत आ गया, अब मैं थोड़ी ठीक भी हो गई हूँ और अब तो मैं ठीक हूँ और आप चलो, मैंने कहा ना तो रहने दे, फिर भी वो चले गई भगत जी। चलने के बाद उनका नाम गंड हो गया, फिर उनको दोबारा से दर्द शुरू हो गया। तो क्या पहले नाम लेने के बाद ये सारे दर्द बिल्कुल दूर हो गए थे? बिल्कुल दूर हो गए थे सर। फिर उसके बाद में उनका नाम खंड हो गया, हमको पता भी नहीं था कि भाई नाम भी खंड होता है। तो भगतमती वहाँ से आने के बाद में रोने लग गई, इनको देख आप मेरे को पैसे वैसे मत लगाओ आप, और आपने खूब पैसे लगा लिए, नाम भी दिला दिया बाबाओं का, कुछ भी नहीं है लेना देना, अब मेरे को जैसे हूँ मैं वैसे रहने दो, बस मेरे बच्चों को रखना संभाल के आप। तो ऐसे कुछ जग रही थी कुछ सो रही थी, रात को करीब 2:30 के बीच की बात है, हम तो सो गए भगत जी, भगतमती कुछ जग रही थी कुछ सो रही थी, स्वयं परमात्मा आए उनके साथ, आके उनको खड़ा किया। परमात्मा मतलब संत रामपाल जी महाराज जी खुद वहां पर आए? खुद आए थे। जरूर ये कोई सपना रहा होगा? नहीं, भगतमती बिल्कुल सत्य बोल रही थी, सवेरे उठ के, नहीं तो वो उठ के चाय भी नहीं पी सकती थी। उसके दूसरे दिन जब परमात्मा आए, अपनी जो काला कोट पहनते हैं परमात्मा, उसकी जेब में से इतनी बड़ी डिब्बी निकाली भगत जी, और उसमें से दवा निकाल कर हमारी भगतमती के अंदर मुंह में जहाँ कैंसर था वहाँ दवा लगा कर परमात्मा ने सर पे हाथ रखा कि बेटी अब आप बिल्कुल सूक्ष्म और बिल्कुल ठीक हो। और उस दिन का दिन है भगत जी, आज का दिन है, भगतमती को बुखार तक नहीं हुआ। ये आप कब की बात कर रहे हैं? ये भगत जी 2019 की बात है। 2019 में तो संत रामपाल जी महाराज जी जेल में थे, वो जेल से बाहर कैसे आ सकते हैं? अरे भगत जी वो तो परमात्मा है, वो तो जेल में तो अब भी नहीं है, अब भी हमारे साथ है, हमारे बीच में है। नहीं, ये पूरा इंडिया पूरा वर्ल्ड जानता है कि संत रामपाल जी महाराज जी आज जेल में हैं, और 2014 से संत रामपाल जी महाराज जी जेल में, और आप कह रहे हैं 2019 में। आप कहाँ के रहने वाले हैं? अलवर राजस्थान के। तो 2019 में संत रामपाल जी महाराज जी हिसार जेल से अलवर पर कैसे पहुंच सकते हैं? मैं आपकी बात पे विश्वास नहीं कर सकता भगत जी। मैं इस चीज का, भगतमती हमारी यही है, मैंने भी नहीं देखा, मेरे को सवेरे जब भगतमती खड़ी हुई तब मैंने देखा कि चमत्कार कैसे हुआ, ये खुद चाय बना के लेकर आ रही है, जबकि हम उसको चाय बना के पिलाते थे डेली, और उस दिन वो खुद उठ के हमको जगा रहे भगत जी चाय पियो और खड़े हो जाओ। कब नाम दीक्षा लिया आपने? हमने 2019 में लिया था। और 2019 में ही ये चमत्कार आपके साथ? जी भगत जी। और अभी 2022 चल रहा है और आपकी भगतमती को कोई ना कोई बीमारी तो जरूर? कुछ नहीं, उस दिन के बाद में भगत जी अभी तक कोई बुखार भी नहीं आया, और अभी 3 दिन पहले की बात है, मेरी छोटी वाली बेटी है उसको बुखार चढ़ गया था, मैं सेवा में जाने के लिए था, मुंडका सेवा लगी हुई थी मेरी, लेकिन काल ने झपट्टा मार दिया तो बच्ची को बुखार इतना भयंकर हो गया, मैं बच्ची से बोल रहा कि बेटा तू चल तेरे को दवा दिला लाऊं, तो बेटी ने हमारे कह दिया पापा मैं दवा 1% भी नहीं लूंगी। तो बिना दवा के वो बच्ची बिल्कुल ठीक हो गई, बुखार इतना भयंकर हो गया उसको कि बिल्कुल तपने लग गई बुखार में, लेकिन बच्ची ने एक गोली तक नहीं ली कि परमात्मा का जो अमृत जल है प्रसाद है मुझको वही दे दो बस। क्या आप जो बातें बोल रहे हैं क्या इन बातों को आप प्रमाणित कर सकते हैं? जी बिल्कुल प्रमाणित। क्या आपके पास आपकी भगतमती की जो भी आपकी मैसेज हैं उनकी सारी रिपोर्ट्स अवेलेबल है? बिल्कुल भगत जी, मैं आज भी वो भगतमती की फाइल को महावीर कैंसर हॉस्पिटल में डॉक्टर का नाम तक मैं बता सकता हूँ, सुनील कुमार गुप्ता है महावीर कैंसर हॉस्पिटल में, और आज भी उनकी फाइल को मैं निकलवा सकता हूँ चल के, और आज की डेट में उनकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल ठीक। हालांकि सकता कि इनको कैंसर भी था, हालांकि ये सब बातें अविश्वसनीय हैं, लेकिन यहाँ के लोगों की ये बातें सुन के विश्वास करना बनता भी है। आप
जो भी लोग आज आपको देख रहे हैं, हमारे दर्शक जो आपको देख रहे हैं, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो भगत जी संदेश तो मैं क्या दे सकता हूँ, मैं तो यही कह रहा हूँ जो भी इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, माता बहन जो भी भाई हैं, केवल ये कह सकता हूँ मैं तो कि भाई धरती पर परमात्मा आए हुए हैं और नाम उपदेश लो और अपना कल्याण करवाओ। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। महाराज की जय। तो यहाँ आने वाले व्यक्ति को हानि कति नहीं है और कति ज्ञान सुनकर समर्पित हो कहोगे तो आपकी कैंसर के कैंसर का बाप भी ठीक हो जाए। भगवान किसे कहते हैं? वाह भाई वाह, यहाँ पर कम से कम लाखों भक्तों के कैंसर तक के रोग ठीक हो चुके हैं जिन समर्पित भाव से परमात्मा पर विश्वास करके नाम लिया और मर्यादा निभाई। क्योंकि दुखी आदमी मर्यादा खूब निभाता है, सुखी तक गड़बड़ कर देता है, समाज को गुणा देखे उसने तो अपनी जान दिखाई देती है, तो उस पर जल्दी राजी हो है भगवान, जल्दी प्रसन्न होता है, उसका जीवन भी बढ़ावेगा और उसको रोग से मुक्त भी करेगा।